हेलो फ्रेंड, मैं रणवीर कुमार और मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसका नाम है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को बहुत अच्छे से समझने के लिए प्रैक्टिकल वे में हमें समझना जरूरी है कि डिटरमिनेंट क्या होता है। कि डिटरमिनेंट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर ऑलवेज इक्वल। जहां पे रोज एंड कॉलम हमेशा जहां पे इक्वल होंगे उसको हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहते हैं तो इस चीज से समझ सकते हैं कि अगर हम इनको इस तरह का देख सकते हैं कि ये जो है 1 2 3 रो है, 3 कॉलम है। तो इस तरह से जो अरेंज किया जाता है ऑब्जेक्ट को उसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। अब यहां पे हमें ये देखना है कि डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता है, जो आप नीचे से देख सकते हैं। डिटरमिनेंट में हमेशा ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे उनको दो लाइन के बीच में रखा जाता है। इस दो लाइन के बीच में इसके सारे एलिमेंट को रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब इस दो लाइन के बीच में अगर हम कुछ भी एलिमेंट को, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम अगर बराबर हैं, तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। अब है कि ये जो इसका सिंबल होता है हमेशा मॉड ऑफ ए, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं, लेकिन कभी भी इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है। तो ये एक जस्ट एक सिंबल है, जिसके ये दो लाइन के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो ये इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है डिटरमिनेंट के अंदर रखा गया है। अब यहाँ पे ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना हमें जरूरी है कि डिटरमिनेंट में अगर एक सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल एलिमेंट है -5, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सिंपल होगा -5। एक सिंगल एलिमेंट है उसके अंदर में, तो उसका वैल्यू जो वैल्यू है वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो उसका वैल्यू भी एक सिंगल वैल्यू जो भी है वो हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरह से देखते हैं कि अगर 2:2 का डिटरमिनेंट है, अगर 2:2 का डिटरमिनेंट है, तब हम क्या करते हैं कि कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। बहुत सिंपल सा बात है कि अगर हमारे 2:2 का डिटरमिनेंट है तो मान लीजिए a11, हम लोग हमेशा मल्टीप्लीकेशन इसका वैल्यू निकालने के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, a11 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a11 a22, उसके बाद बीच में माइनस आएगा और a21 a12। इस तरह से हमारा पहले इस साइड से इस साइड आता है, फिर इस साइड से इस साइड आता है। तो 2:2 डिटरमिनेंट को निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। वन जिसमें सिंगल एलिमेंट है, उस तरह के एलिमेंट जो भी वैल्यू होगा वही उसका आंसर होगा। 2:2 में हम देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a11 का a22, बीच में फार्मूला का माइनस a21 a12। तो इस तरह से हमारा 2:2 डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं 3:3 डिटरमिनेंट, तब यहाँ पे हमें और नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। बहुत ही ध्यान से इसको देखने की जरूरत है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये डिटरमिनेंट हमारा 3:3 का ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो ये 3:3 का डिटरमिनेंट है। लेकिन अब हमको इसके वैल्यू को निकालना है। तो डिटरमिनेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमेशा ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, हमेशा ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। इस चीज को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिटरमिनेंट विल ऑलवेज गिव्स यू ए न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस चीज को आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे पहले ये समझना हमें जरूरी है कि इसमें दो टर्म होते हैं, जिस दो टर्म को हमें समझना जरूरी है। एक को बोलते हैं माइनर ऑफ द एलिमेंट और दूसरा है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। तो माइनर एंड कोफैक्टर को मैं बहुत अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है कि माइनर जो होता है, हर एलिमेंट का अपना माइनर होता है। यानी कि अगर हम a11 का माइनर निकालना चाहते हैं तो निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। आप उस पार्टिकुलर कॉलम
और रो को क्रॉस बनाइए, क्रॉस बनाएंगे तो रेस्ट जो एलिमेंट हो जाएगा ये हमारा A22, अगर हम देखेंगे तो A22, A23, A32, A33, ये A11 का हमारा माइनर हो गया। उसी तरह से अगर हम A21 का माइनर देखना चाहते हैं तो A21 का माइनर बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया पहले कि क्रॉस बनानी है, जब हम क्रॉस बनाएंगे तो A12 का, तो ये हमने क्रॉस बनाया, ये हमने क्रॉस बनाया, जब क्रॉस बनाएंगे तो रेस्ट जो चार एलिमेंट होंगे ये इसके माइनर होंगे, तो हम लोग उसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसके बाद A21, A23, A31, A33, ये हमारा A12 का माइनर हो गया। A13 का माइनर क्या होगा, उसी तरह से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये चार जो एलिमेंट बचेंगे ये हमारा माइनर होगा, A21, A22, A31, A32। तो आई होप सो ये माइनर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। उसी तरह से A31 का क्या होगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो क्या बचेगा, A11, A12, A21, A22, तो ये हमारा माइनर का एलिमेंट हो जाता है। तो माइनर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि माइनर जो है सिर्फ डिटरमिनेंट का फॉर्मेट जैसे लिखा जाता है सिर्फ हम उसको लिख देते हैं। तो अगर अगर हम देखते हैं 9 अगर एलिमेंट्स हैं तो टोटल मिलाकर के हमारा 9 माइनर्स का भी एलिमेंट बनेंगे टोटल। अब क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, तो को फैक्टर को समझने के लिए माइनर और को फैक्टर में बहुत सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जो भी को फैक्टर है, को फैक्टर और माइनर में सिर्फ सिंबल होता है, साइन का डिफरेंस होता है। तो इस चीज को समझना जरूरी है, जब हम -1 to the power i + j लिखते हैं, i + j और माइनर ऑफ आई जे, यानी कि माइनर जब हमको निकालने आ गया है तो -1 to the power i + j जब लिखेंगे तो उस पार्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर निकल जाएगा, यानी कि कोफैक्टर के साथ हमेशा सिंबल प्लस या माइनस आएगा, लेकिन माइनर के साथ सिर्फ अपना एक कैलकुलेशन जो बेसिस पे जो कैलकुलेट होता है वैल्यू वो आएगा। तो माइनर इज नथिंग बट द वैल्यू, और कोफैक्टर भी वैल्यू है लेकिन उसमें प्लस और माइनस इंडिकेट होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे 2, 4 जब माइनर ऑफ 1, 2 अगर हमें निकालना है, तो माइनर ऑफ 1, 2 अगर हमें निकालना है तो इस चीज को समझना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 6 के लिए हमारा माइनर क्या होगा, 6 के लिए बहुत सिंपल है, माइनर क्या है, -1, बहुत सिंपल है। अब A21 यानी कि A हमारा रिप्रेजेंट करता है को फैक्टर, 2, 1, इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट आज मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। जब हमारा -1 to the power i + j होता है, i + j, तो आप समझ सकते हैं कि ये 2 और 1 अगर इस पार्टिकुलर एलिमेंट A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 के रिस्पेक्ट में हमारा जो को फैक्टर होगा उसके लिए सबसे आप पहले सिंबल आप डिसाइड कर लो, तो -1 to the power, यहाँ 2 + 1 क्या है, 3, तो -1 to the power 3 कितना होगा, -1, यानी कि इसका जो है सिंबल में हमेशा -1 आएगा, तो -1। उसके बाद सिंपल है जो माइनर होगा, माइनर क्या है इसके लिए, 6 है, तो ये हमारा हो गया माइनर एंड कोफैक्टर का निकालने का तरीका। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं माइनर ऑफ 3:3 में डिटरमिनेंट में हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सेम वे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। अगर हम माइनर पहले दो माइनर दो कोफैक्टर निकालने के आपको बताते हैं, सेम माइनर में 1 और 3 सिंपल है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि 5 के रेस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, हम इसको कट कर दिए, इसको कट कर दिए, -1, 6, 7, -4 जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कैलकुलेशन हमने बताया था आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, -1, -4 यानी कि 4 - 42 ये -38। सेम वे माइनर ऑफ 2, 2 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 6 के लिए हमारा क्या होगा, 2, 5, 7, 9 ये हमारा माइनर हो गया,
अब 2579 जब हम लिखेंगे तो सेम कैलकुलेशन आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2918, 7 × 5 = 35। ये कैलकुलेशन आप इस तरह से माइनर आप निकाल सकते हैं, माइनर एंड को फैक्टर। अब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 के लिए, तो 2 के लिए अगर हम सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले हम इसके जब को फैक्टर निकालते हैं तो आप साइन निकाल लीजिए। साइन क्या होगा, 1+1 2, यानी कि A11 के रिस्पेक्ट में हमारा ये पार्टिकुलर एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये हमारा सिंबल तो हो गया प्लस। आप देख करके भी आराम से निकाल सकते हैं, 6 × 9 = 54 माइनस ब्रैकेट में रखेंगे माइनस, और माइनस 4 × 3 = 12, तो प्लस 12 कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए 56। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा का पूरा करने का जरूरत नहीं है, आप देख करके भी फटाक से तुरंत निकाल सकते हैं। तो 8, 2, 3 तो ऑब्वियस है माइनस होगा, को फैक्टर है तो 2+3 = 5, −1 का पावर 5 निगेटिव। 2, 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि इसके लिए आप माइनर क्या होगा, ये कट कर दिए तो हमारा एलिमेंट क्या बचा, 2, 0, 7 −4, तो 2 × −4 − 8 और 7 × 0 = 0, यानी कि −8, यहाँ पे −8 ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये +8। तो इस तरह से माइनर और को फैक्टर हम लोग निकालते हैं। तो जब माइनर एंड को फैक्टर अगर निकालने आ गया तो आप वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इसी से बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको जो सिखाया उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि माइनर एंड को फैक्टर में जब 3:3 डिटरमिनेंट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1+1 = 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1+2 = 3 निगेटिव, 1 यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम तो क्या होगा 3+1 = 4। तो इस तरह से आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2+1 = 3 −2+2 = 4 पॉजिटिव, ये क्या होगा 2+3 निगेटिव। आप देख करके ही यहाँ पे आराम से, तो कोई भी एलिमेंट को अगर यही डिटरमिनेंट है, इसके डिटरमिनेंट के वैल्यू को निकालना है तो बहुत सिंपल है। आप ये जो है शुरू में बेसिक स्टेप आप 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बाद में इसको माइनर को लिखने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं। तो A11 के रेस्पेक्ट में हमारा माइनर लिखा, A22, A23, A32, A33, फिर A12 के रेस्पेक्ट में यानी कि फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन विदाउट प्रॉपर्टी अगर हम करते हैं तो ये बहुत सिंपल है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A11 यानी कि फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, यानी इस पार्टिकुलर रो के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो A11 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका माइनर लिखा, ये माइनर हुआ। A12 के रेस्पेक्ट में लिखा तो ये कट गया, तो A21, A23, A31, A33, फिर A13 के रेस्पेक्ट में ये कट गया, तो क्या बचा, A21, A22, A31, A32। तो जब हम लिख दिए तो यहाँ पे हमने सिखाया कि ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। सेम वे सारा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, 5, 3 − 1, 2, तो इतना करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन अगर सीख गए हैं तो 5 × 2 = 10 −3 = 13 आंसर। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में है कि x, x+1, x − 1, x = 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल सी बात है, हमें मालूम है कि इसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 1 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या होगा, और x बिलोंग्स टू R है, तो हम सिंपल पहले कैलकुलेशन हमने किया, x² − x − 1 x + 1 दैट इज x² − 1, कैलकुलेशन x² कट जाएगा 1 = 1। उसी तरह से इवेलुएट करना है हमें डिटरमिनेंट का, तो सिंपल 1 के लिए रेस्पेक्ट में हमने माइनर लिखा 1, 2, 2, 3, उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सपेंशन किया है 0 के रेस्पेक्ट में, आप कैसे भी कर सकते हैं। हमने फर्स्ट ऊपर में हमने आपको दिखाया था यहाँ पे रो के रेस्पेक्ट में, और इस क्वेश्चन में हम लिए हैं
कॉलम के रेस्पेक्ट में। तो वन वन का हमारा माइनर हो गया वन टू टू थ्री माइनस जीरो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर आपका जीरो आ जाता है तो जीरो के बाद जो आप माइनर लिखते हैं तो इसका हमेशा वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा। फिर प्लस वन है, उसके बाद यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, इसके लिए माइनर थ्री माइनस वन वन टू। तो ये कैलकुलेशन हमने कर लिया, इसका आंसर सिक्स आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही आसान तरीके से हम माइनर, कोफैक्टर और एक्सपेंशन के बारे में पढ़े हैं। तो सेकंड क्लास में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर बहुत सारे आगे की चीजें हैं कि हमें कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स हैं, जैसे सारस रूल है, और उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। सात छह सात प्रॉपर्टीज हैं जिसके हम अच्छे से पढ़ करके और उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि जिनको मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ, जिनको अगर लगता है कि मुझे क्लासरूम फेस टू फेस पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं। साथ साथ हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग हम लोगों का टारगेट है यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, चैप्टर खत्म होते हैं और चैप्टर खत्म होकर के हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं जो सीईटी आईआईटी और सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से अगर मान लीजिए किसी को हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है तो आप हमारे नंबर पे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9886295648, और आपको पूरा का पूरा और आगे में नेक्स्ट वीडियो बना करके और मैं डालूंगा। थैंक यू, थैंक्स।